थैंक यू सर। सर शुरुआत में माँ से ही करना चाहूँगा कि क्या ना समझ मत देख इन पत्थरों में खुदा को, उसने अपनी जगह धरती पर भेजा है माँ को। क्या ना समझ मत देख इन पत्थरों में खुदा को, उसने अपनी जगह धरती पर भेजा है माँ को। और वो तो वो है जो तुझ पे आने वाली मुसीबतों को मोड़ दे हवाओं में, वो ताकत है सिर्फ माँ की दुआओं में। के वो तो वो है जो तुझ पे आने वाली मुसीबतों को मोड़ दे हवाओं में, वो ताकत है सिर्फ माँ की दुआओं में। संसार की हर खुशी मिल जाएगी तुझे, तू ठहर कर तो देख दो पल माँ की बाहों में, तू ठहर कर तो देख दो पल माँ की बाहों में। भूल जाएगा तू दुनिया को सारी, भूल जाएगा तू दुनिया को सारी, कि वो इतनी खूबसूरत है कि खूबसूरत शब्द भी छोटा पड़ता है, कि वो इतनी खूबसूरत है कि खूबसूरत शब्द भी छोटा पड़ता है। और मैं तो मैं, तुम भी क्या चीज़ हो जनाब, खुदा भी उसके सामने सजदा करता है। और अब मैं किसी की एक बात कहना चाहूँगा, उसने मुझसे मेरा हाल पूछा तो मैंने उससे कहा कि तुम तो कमाल करते हो कि उस वक्त हमारे नाम से अपना नाम जोड़ा और आज हमारा नाम पूछते हो, कि उस वक्त हमारे नाम से अपना नाम जोड़ा और आज हमारा नाम पूछते हो, कि पहले चाल बिगाड़ दी हमारी और अब हाल चाल पूछते हो। वाह तुम भी कमाल करते हो, कि वाह तुम भी कमाल करते हो। मोहब्बत में धोखा चलो आम बात है, मोहब्बत में धोखा चलो आम बात है, मगर तुम तो बुरा हाल करते हो। रातों की नींदें हमारी उड़ा दी, रातों की नींदें हमारी उड़ा दी, और भले आदमी आंखें अपनी लाल करते हो। अजी तुम भी सच में कमाल करते हो, और क्या कहा हमें याद करते हो। अरे छोड़ो भी क्यों वक्त बर्बाद करते हो, दो पल साथ नहीं दे सकते और प्यार करने का दावा करते हो, तुम ना सच में कमाल करते हो। वो अगले दिन फिर मुझसे मिला तो इस बार मैंने ही कह दिया कि हेलो तू कल भी मिला था और आज भी साथ है, क्या बात है। तू कल भी मिला था और आज भी साथ है, क्या बात है। लगता है तुम हमसे फिर से बात करना चाहते हो, मगर माफ़ करना जनाब, आपके सामने हमारी क्या बात है। और सुना है उसे देखने वालों की आंखें निकाल ली जाती है, सुना है उसे देखने वालों की आंखें निकाल ली जाती है, तो चलो एक बार गलती से गुनाह करके तो देख लिया जाए। और सजाए मौत भी मंजूर है हमें, और सजाए मौत भी मंजूर है हमें, मगर पहले सजा के बराबर महज प्यार तो किया जाए। के उन्होंने हमारे दिल का दिवाला कुछ इस तरह निकाला, बड़ी सराफत से दिल मांगा और चीर डाला। के उन्होंने हमारे दिल का दिवाला कुछ इस तरह निकाला, बड़ी सराफत से दिल मांगा और चीर डाला। वैसे तो मर ही गया था मैं, मगर उस कंजर जालिम ने सरेआम बदनाम हमें होर कर डाला। और उनकी तो अदालत में भी हमारा इंसाफ कुछ इस तरह हुआ कि दीवाने भी हमी और बेवफा भी हम, कि उनकी अदालत में भी हमारा इंसाफ कुछ इस तरह हुआ कि दीवाने भी हमी और बेवफा भी हम। और वो तो दूध के धुले है जैसे बाकी जमाने के संग, वो तो दूध के धुले है जैसे बाकी जमाने के संग। और सुनो जरा उनका इंसाफ तो देखो, मर भी हम ही गए और मारने वाले भी हम। वाह वाह जनाब क्या कत्ल करते हो निगाह से, हम तो दाग देते हैं तुम्हारे कातिले अंदाज का, जरा इन्हें पर्दे में रखा करो, कहीं कत्ल ना कर दे हम जैसे किसी जनाब का। और अब मैं इसी बीच कुछ आजकल की सच्चाई बताना चाहता हूँ कि आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि जब तक है कलम में साहीं तब तक दुनिया कहेगी ओ मेरा भाई, और जिस दिन ख़त्म कलम में साहीं उस दिन ख़त्म तू भी मेरा भाई। कि अब तो चलना ही हमारे नसीब में लिखा है, मंजिल क्या और कहाँ है हमारी हमें कुछ नहीं पता है, इसमें किसी दूसरे की नहीं सब अपनी खता है। कि मंजिल काफ़ी दूर है अभी और वक्त भी गुजरता जा रहा है, कि मंजिल काफ़ी दूर है अभी और वक्त गुजरता जा रहा है, कब सवेरा होगा कब रात गुजरेगी ये सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि अंधेरा होर बढ़ता जा रहा है। और ये चार लाइनें मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जो किसी को यकीन दिलाना चाहते हैं, कि तुम कुछ भी कह दो सब मंजूर है मुझे, कि तुम कुछ भी कह दो सब मंजूर है मुझे, क्योंकि यकीन है तुझ पर
और तुम्हारे लिए तो मैं मर भी सकता हूँ, मगर पहले मरो मुझ पर।